तो दोस्तों फरवरी महीने में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आजकल सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई जो हैं वो अगेती सब्जियों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी कि इन 4-5 सालों में अगेती सब्जियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह में काफ़ी ज़्यादा सब्जियां लगाई जाती हैं और उसके बाद में मैंने बताया था कि फरवरी और मार्च महीने में काफ़ी कम सब्जियां लगाई जाती हैं। इस वजह से जो किसान भाई फरवरी और मार्च महीने में सब्जियां लगाते हैं उनको भी इन सालों में काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिलते हैं, क्योंकि इन महीनों में काफ़ी कम सब्जियों की बुआई होती है और गर्मियों में तो बिल्कुल कम सब्जियां लगाई जाती हैं। उसके बाद में काफ़ी किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आने शुरू हो गए हैं और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने ये भी बताया था कि अगर आप मार्च महीने में सब्जियां लगाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से ज़मीन खाली भी नहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि रबी की फसल जो होती है उस समय पर उनकी बुआई का समय भी हमारा रबी की फसल के साथ ही होता है। सब्जियों की अगेती सब्जियों का जो समय होता है वो रबी की फसल की बुआई के साथ ही हो जाता है, तो उस समय हमारी जो ज़मीन है वो ब्लॉक हो जाती है। सब्जियों की खेती करो या फिर फसलें लगाओ, सरसों चना गेहूं ये लगाओ या फिर सब्जियां लगाओ, लेकिन उस समय पे जो किसान भाई ज़मीन खाली नहीं रखना चाहते वो अगर मार्च महीने में सब्जियां लगाते हैं तो रबी की फसल भी आपकी हो जाएगी और मार्च महीने में उनकी जैसे ही कटाई का कार्य कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप जो है मार्च महीने में सब्जियां लगा सकते हैं और मार्च महीने में लगाई गई सब्जियों के आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है कि 15 से 20 मार्च तक अगर आप सब्जियां लगा देते हैं मार्च में तो काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप 15 से 20 मार्च से पहले पहले अगर आप लगा देंगे तो काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव दे जाएंगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन दे जाएंगी, लेकिन इसके बाद में काफ़ी कम सब्जियाँ ऐसी बचती हैं जिनको आप लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लू वगैरह भी चलनी शुरू हो जाती हैं। अब भी आप देख रहे होंगे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते हैं। हालांकि मार्च महीने के हिसाब से देखा जाए तो इस बार टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर जो है वो काफी कम है, सब्जियों की खेती करने के काफी अनुकूल है, आप अब भी सब्जियां लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो किसान भाई 20 मार्च के बाद में सब्जियां लगाना चाहे मतलब उस समय पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, गर्मियां काफी जोरदार पड़ने शुरू हो जाएंगी और उन गर्मियों में कुछ चुनिंदा सब्जियां ही बचती हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में और इन लू वगैरह के सीजन में काफी कम सब्जियां हैं जो ठीक से सर्वाइव कर जाएंगी और ठीक से आपको उत्पादन दे जाएगी। बाकी अगर आप फरवरी सीजन में लगाई जाने वाली सभी सब्जियों का चुनाव अगर गलती से भी कर लेते हैं मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में तो ठीक से आपको उत्पादन भी नहीं मिलेगा और मंडी भाव तो हो सकता है मिल जाए लेकिन उत्पादन आपको ठीक से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अभी तक अगर आपकी जमीन खाली नहीं हुई है या फिर अगर आप सब्जियों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं तो मार्च के आखिरी सप्ताह तक या अप्रैल माह के पहले सप्ताह तक अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो यहां पर मैं आपको 4 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दूंगा। इन 4 सब्जियों को अगर आप तेज गर्मियों में भी लगाते हैं तो भयंकर गर्मियों में भी ये सारी सब्जियां आपको जोरदार उत्पादन दे जाएंगी और मंडी भाव तो मैंने आपको बता दिया था कि गर्मियों में लगाई गई सब्जियों के काफी जोरदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन कौन सी वैरायटियां लगानी है, किस तरह से आपको लगाना है, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा और लू से बचाने का तरीका भी बताऊंगा। इन सब्जियों में आपको लू का, जिन सब्जियों में लू का खतरा होता है उनको आप कैसे रोक सकते हैं, किस तरह से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करने से इसके हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं अलग से, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही जानकारियों के साथ आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों यहां पर जिन 4 सब्जियों की फसलों के बारे में मैं बता रहा हूं उन 4 सब्जियों को आप भयंकर गर्मियों में तो लगा सकते हैं और उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं, लेकिन आपका लगाने का तरीका एकदम सही होना चाहिए और जो खाद उर्वरक डाल रहे हैं आप, बेसल डोज जो डाल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आप बेसल डोज डालेंगे और सिंचाई का शेड्यूल अगर आपका सही होगा, क्योंकि सिंचाई आपको गर्मियों में पर्याप्त रखनी पड़ेगी, सिंचाई के साधन आपके अच्छे होने चाहिए क्योंकि सिंचाई की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, लू वगैरह चलेंगे उस समय पे, तो ये सारी सावधानियां अगर आप रखेंगे तो काफ़ी अच्छा उत्पादन ये सब्जी आपको देके जाएंगी। नंबर एक पर आप इस समय पर भिंडी की खेती इन गर्मियों के सीजन में कर सकते हैं, कितने भी ज़्यादा टेम्परेचर हो अच्छे से ये सर्वाइव कर लेंगी। दोस्तों भिंडी की खेती वैसे तो फरवरी माह से ही लगानी शुरू हो जाती है, मार्च माह में भी लगाई जाती है, काफ़ी किसान भाई हैं जिन्होंने लगा दी होगी,
लेकिन जो किसान भाई अब लगाना चाहते हैं, जो लेट हो गए हैं, नहीं लगा पाए हैं, वो इसकी खेती अब मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर और लगभग लास्ट आप 15 अप्रैल तक इसको लगा लें तो अच्छा रहेगा। मंडी भाव भी इस समय पर लगाने आप आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा अगर आपका लगाने का तरीका सही है। जो खाद उर्वरक और जो बेसल डोज आपको डालने हैं वो कुछ इस तरह से है। ये बेसल डोज अगर आप डालेंगे और सिंचाई के साधन अगर आपके सही हैं तो जोरदार उत्पादन ये फसल आपको देके चली जाएगी। दोस्तों भिंडी ही एक ऐसी फसल है जिसको गर्मी में इतने ज्यादा टेम्परेचर में लगाने के बाद भी लाखों का प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है, क्योंकि अगर आप जो सीजन मैंने जो समय मैंने आपको बताया है उस समय के दौरान अगर आप इसको लगाएंगे तो लगभग लगभग आप ये मानिए कि 40 से 50 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से ये फसल देके चली जाएगी और लंबे समय तक आपको ये उत्पादन देगी। जब तक ये आपको हार्वेस्टिंग देगी तब तक इसके मंडी भाव में मतलब ज्यादा गिरावट नहीं आती है। एवरेज इसके मंडी भाव जो है 40-50 के आराम से आपको मिलते रहेंगे और बारिश के बाद तक ये आपको उत्पादन देती रहेगी, मतलब लगभग जुलाई तक आपको ये अच्छे से उत्पादन देती रहेगी और जब तक उत्पादन देगी तब तक जोरदार मंडी भाव आपको मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको भिंडी की अच्छे से अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफी ज्यादा जरूरी है और इसके लिए नंबर एक पर आप एडवांटा कंपनी की राधिका जो वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी तो काफ़ी सारी वैरायटियाँ हैं, बहुत सारी वैरायटियाँ हैं भिंडी की जिनकी आप इस समय पे खेती कर सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी वैरायटियाँ ख़राब है, सिर्फ राधिका अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3-4 वैरायटियाँ और भी बता देता हूँ। सिर्फ मैंने आपको नंबर एक पर बताया कि एडवांटा की राधिका वैरायटी है, ये काफ़ी अच्छी है और ये वास्तव में अच्छा उत्पादन देती है और उत्पादन की जो क्वालिटी है इस वैरायटी की वो भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी बार इसका सिलेक्शन मैं कर चुका हूँ इसलिए एक नंबर पर आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि इसका जो उत्पादन और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो काफी शानदार है। तो नंबर एक पर तो आप एडवांटा की जो राधिका है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पे भी ही एडवांटा की ही एक नाव्या वैरायटी आती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। एक नुमेंस की सिंघम वैरायटी आती है, ये भी इसकी भिंडी की जो है वो काफी अच्छी वैरायटी है, क्वालिटी आपको फल की काफी जोरदार मिलेगी और उत्पादन इसका भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। सिजेंटा कंपनी की OH 102 भिंडी की काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप इस समय पे सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका भी उत्पादन अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी इसकी भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। माहिको कंपनी की जो 10 नंबर वैरायटी आती है भिंडी की वो भी आप ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी आपको काफी जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में नुमेंस कंपनी की एक सम्राट वैरायटी आती है, ये भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर जमीन की तैयारी और बेसल डोज के बारे में तो यहां पर कम से कम 3 कल्टीवेशन आपको करने हैं अपनी जमीन में। सबसे पहले एक डीपली प्लोविंग करनी है, गहरी जुताई करनी है और उसके बाद में आपको डालना है गोबर की खाद। गोबर की खाद यहां पर आप 1 एकड़ में 3 ट्राली कम से कम ले सकते हैं, 3 ट्राली आपको गोबर की खाद डालनी है, सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है और उसके बाद में एक कल्टीवेशन आपको और कर देना है। मिट्टी को एकदम भुरभुरा और जमीन को आपको एकदम समतल करके उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको जो रासायनिक खाद उर्वरक है वो डालने हैं। उनमें लगभग आप ले सकते हैं 50 kg SSP खाद काम में ले सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, और 50 kg जिप्सम आपको काम में लेना है, 20 kg सरसों की खली आपको लेनी है और लगभग 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर बेंटोनाइट % में आता है वो आपको लेना है। ये आपकी भिंडी की फसल में एक तरह से फंगीसाइड का काम भी करेगा और ज्यादा टेम्परेचर की वजह से फसल में आने वाले स्ट्रेस से भी आपको बचाएगा आपकी फसल को, तो ये भी आपको डालना जरूरी है। जो बेसल डोज मैंने आपको बताया है स्पेशली भिंडी की फसल के लिए और जो बाकी की सब्जियां भी आ गया मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, उन सभी सब्जियों में गर्मियों के सीजन में अगर आप ये बेसल डोज डालेंगे तो काफी अच्छे से आपकी फसलें ग्रो होंगी और काफी अच्छा आपको उत्पादन देके जाएंगी। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है लौकी की खेती। आप इन गर्मियों में लौकी की खेती भी कर सकते हैं, लौकी भी अच्छे खासे टेम्परेचर में अच्छे खासी ग्रो हो जाती है, अच्छा उत्पादन देके जाएगी और लौकी के भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे। लास्ट ईयर भी इसके काफ़ी ज़ोरदार किसान भाइयों को मंडी भाव मिले थे और इस बार भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे अगर आप मार्च महीने में इसको लगा रहे हैं। और जिन किसान भाइयों ने फरवरी में लगाया है भाई उनको भी इसके काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, क्योंकि गर्मियों में इसकी आवक जो होती है मंडियों में काफ़ी कम होती है और डिमांड इसकी काफ़ी ज़ोरदार रहती है। और थोड़ी बेल वाली सब्जियों में
और सब्जियों में नहीं, बाकी सब्जियों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बेल वाली सब्जियों में लंबे समय तक चलने वाली फसल है। बेल वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लौकी है, जो आपकी लंबे समय तक उत्पादन देती है, तो काफ़ी लंबे समय तक आपको उत्पादन देगी, मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। इसकी खेती भी आप जो है मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर पूरे अप्रैल माह तक लगा सकते हैं आप इसको। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि इसको आप कभी भी जो है इस समय पर अगर आप लगा रहे हैं इसको, तो इसको तारबास वगैरह बंधाई करके ऊपर आपको इसको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि लू वगैरह के सीजन में अगर आप इसको ऊपर चढ़ाते हैं तो लू की वजह से पूरी फ्रूटिंग आपकी खराब हो जाएगी, फल फूल एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जमीन पे ही आपको इसकी खेती करनी है। जमीन पे अगर खेती करेंगे तो आपका खर्चा भी कम होगा, काफी कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। और यहां पर बाकी की जो सब्जियां भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी सब्जियां बता रहा हूं सारी सब्जियां बिल्कुल कम खर्चे वाली सब्जियां बता रहा हूं, जिनमें लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है, कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं और अच्छे खासे मंडी भाव और अच्छा खासा उत्पादन ये सारी सब्जी आपको देके जाएंगी। लौकी की खेती भी अगर आप इस समय पे करेंगे तो जोरदार मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है, कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में अगली जो फसल है वो है सब्जी वाला गुवार, और इस सब्जी वाले गुवार की खेती भी आप इन गर्मियों में कर सकते हैं। इसको भी आप अच्छे खासे टेम्परेचर में लगा सकते हैं, अच्छी खासी गर्मियों में लगा सकते हैं, अच्छे से ग्रो हो जाएगी और अच्छे से आपको उत्पादन जोरदार दे जाएगी और जोरदार मंडी भाव आपको ये देके जाएगी। सब्जियों में सबसे ज़्यादा मंडी भाव ये फसल आपको देके जा सकती है अगर आप इसको इस समय पर लगाते हैं। ज़्यादातर किसान भाई है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट आते रहते हैं, ज़्यादातर किसान भाइयों ने जो इसकी खेती करते हैं फरवरी और मार्च माह में, इसकी जो खेती करने वाले किसान हैं, ज़्यादातर किसान भाइयों ने इसकी बुआई कर ली है। लेकिन जो किसान भाई अब तक इसको नहीं लगा पा रहे हैं, जिनकी जमीन खाली नहीं हुई थी, वो अब इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह में लेट बुआई करने वाले किसान भाई मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर पूरे अप्रैल माह तक कभी भी आप इसको भी लगा सकते हैं, अच्छे से उत्पादन दे जाएगी, अच्छे से ग्रो भी हो जाएगी, अच्छे मंडी भाव आपको दे जाएगी। तो सब्जी वाला गुवार लगा के भी आप अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि लंबी अवधि की फसल है, लंबे समय तक चलेगी, जुलाई तक आपको उत्पादन देगी, यानी कि बारिश के सीजन में भी आपको ये एक दो हार्वेस्टिंग देके चली जाएगी। और मंडी भाव जिस दिन से आपका उत्पादन शुरू होगा उस दिन से लेकर लास्ट तक आपको इसके मंडी भाव काफी जोरदार मिल जाएंगे, लगभग 50-60 रुपए के मंडी भाव भी इसके भी आपको मिलते रहेंगे। जो भी सब्जियां बता रहा हूं सारी सब्जियों के लगभग 50-60 रुपए के मंडी भाव मिल जाएंगे, क्योंकि लौकी मैंने बताई है। तो लौकी के भी आप देखोगे तो लास्ट ईयर किसान भाइयों को, जिन किसान भाइयों ने मार्च और अप्रैल माह में लौकी लगाई थी, लगभग 50-60 रुपए के मंडी भाव मिले थे। और उस समय पर काफी किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आए थे कि भाई लौकी के काफी जोरदार मंडी भाव मिल रहे हैं। और इस बार भी, क्योंकि जो लेट बुआई करते हैं लौकी की, उन सभी को इसके मंडी भाव काफी जोरदार मिलते हैं। तो जो भी सब्जियां यहां पर मैंने आपको बताई है वो ऐसी सब्जियां बताई हैं जिनको आप भयंकर गर्मियों में भी लगा सकते हैं और मंडी भाव भी अच्छे ले सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है देसी टिंडे की खेती, और इसको भी आप मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर लगभग 15 अप्रैल तक आराम से लगा सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप इसको लेट बुआई कर रहे हैं तो इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, शुरुआत में ही आपको रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप शुरुआत में देखने को मिल सकता है। तो शुरुआत में हल्का फुल्का आप एक दो स्प्रे इसमें निकाल दें, एक फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड का शुरुआत में अगर आप ले रहे हैं तो एमिडाक्लोप्रिड 17.8% का ले लीजिए और कार्बेंडाजिम 50% ले लीजिए, हल्के से एक दो स्प्रे निकाल देंगे तो उसके बाद में आपको इस तरह का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये समस्या इसमें आ सकती है, बाकी और कोई समस्या नहीं आएगी, उत्पादन भी अच्छा दे जाएगी और मंडी भाव जो है वो इसके भी काफी शानदार मिल जाएंगे, लगभग 50-60 रुपए के मंडी भाव ये फसल भी आपको देके जाएगी और अच्छा खासा उत्पादन भी ये फसल आपको देके जा सकती है। जो समस्या इसमें आती है वो मैंने आपको बता दिया, शुरुआत में आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। सिंचाई का शेड्यूल इन सभी सब्जियों में गर्मियों के सीजन में आपका अच्छा होना चाहिए। गर्मी के सीजन में बुआई के बाद में अगर आप मार्च महीने में लगा रहे हैं तो मार्च अप्रैल में 6 से 7 दिन के अंतराल से आप सिंचाई करते रहे और उसके बाद में मई जून आते आते आप इनकी जो सिंचाई है वो 4-5 दिनों के अंतराल से करते रहें। और बाकी आप अपने एरिया और टेम्परेचर मिट्टी को देख लें, किस तरह की आपकी जमीन है और किस तरह का आपका वातावरण है, उस हिसाब से जरूरत पड़े तो पहले आपको सिंचाई करनी है। लेकिन सिंचाई की वजह से आपकी फसलें जो है वो स्ट्रेस में नहीं जानी चाहिए, इस तरह से सिंचाई का एक शेड्यूल बना लीजिए और मार्च और अप्रैल माह में तो आप 6-7 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहें और मई और जून माह में 4-5 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहें, जरूरत पड़े तो पहले भी करें, लेकिन ज्यादा डिले आपको सिंचाई में उस समय पे नहीं करना चाहिए, सिंचाई की वजह से आपकी फसलें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में जिन 4 सब्जियों के बारे में मैंने आपको बताया है, इन चारों सब्जियों की खेती आप इन गर्मियों में करके काफी जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।